हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल टुडे। होप सब सही हो। पहले मैं कह दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। नीचे के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। तो आ जाता है अपने वीडियो के ऊपर। अभी कल करवा चौथ है तो उससे पहले मैंने सोचा कि चलो कुछ सेमी ब्राइडल बना दिया जाए, क्योंकि अभी करवा चौथ में कुछ ज़्यादा ही डिमांड होता है मेहंदी का। कल तक लोग पहनेंगे तो अभी पहनेंगे मतलब लगाएंगे, तो मुझे इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ अच्छा सा बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि सेमी ब्राइडल बनाऊं, तो ही कोशिश किया था। आज का डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना। आज मैंने बहुत कुछ यूज़ किया है जो कि मॉडर्न फैसिलिटीज़ या कि ये मॉडर्न मेहंदी में यूज़ होते हैं उन सब चीज़ों का, जैसे कि अभी गल्फ फ्लावर, चेक्स, पेस्ली और गल्फ स्टाइल, जो भी डिज़ाइंस आते हैं और जो भी चेक बॉर्डर्स आते हैं, रिवर्स एलिमेंट जो आते हैं, जो प्रॉपरली मॉडर्न आर्ट में यूज़ होने वाले सारे प्रॉप्स लेके मैंने आज का ये जो डिज़ाइन है उसको क्रिएट किया है। और मैं बहुत ही कम कुछ ट्यूटोरियल बनाती हूँ। मैं आप लोगों तक डिज़ाइन ही पहुँचाती हूँ जिससे आप लोगों को मदद हो। तो मैंने आप लोग देख सकते हो, जो दो वी शेप का चेक बॉर्डर हुआ था उसके बाद मैंने स्क्वायर ले लिया। अगर आप लोग चाहो वहाँ पे तो आप लोग वहाँ पे राउंड या जो जो पेजली वगैरह होता है उसका यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारे वेरिएशंस इस डिज़ाइन के साथ हो सकता है। तो जैसा मैंने शुरू किया था, फिनिशिंग तो वैसा नहीं हो पाया किसी कारण से, मगर डिज़ाइन कैसा लगा आप लोगों को, कैसा लग रहा है ये भी बताना। और मेरी कोशिश यही रही थी कि आप लोगों के साथ मैं सेमी ब्राइडल जो है शेयर करूं करवा चौथ के लिए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि करवा चौथ में हाथ बिल्कुल फुल हैंड मेहंदी करवाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये सुहागनों का रिवाज रीति है, व्रत है, तो वो अपने पति के लिए बनवाते हैं। तो इसीलिए कोशिश किया था आज का डिज़ाइन फुल हैंड हो। और इस वक्त मेहंदी का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, जो आर्टिस्ट होते हैं वो भी चाहते हैं कुछ सिंपल हो, कुछ अच्छा हो जो उनके कस्टमर को खुश कर पाए। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया था, और कुछ हद तक सूख भी गया था तो इसलिए थोड़ा सा इनविजिबल सा हो गया था वो, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। और मैंने पिक्चर भी लिया था मगर जो गल्फ फ्लावर मैंने बनाए थे वो तरफ सूख चुका था, इसलिए मैं ज़्यादा उसको दिखा नहीं पाई। तो होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, डिज़ाइन भी पसंद आया होगा। तो अब मिलूँगी आप लोगों के साथ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं चलती हूँ। टाटा फ्रेंड्स।